क्या नाम है आपका? शारिक। शारिक, शारिक क्या होगा इस बार? क्या होगा इस बार? खेला होगा हैं? खेला होगा। कैड़ा वाला हो रहा है इधर तो, गुंडा राज चल रहा है बिल्कुल, खड़ा साला एक का एक बाप निकल रहा है आगे पीछे। मुसलमानों को तो समझ जाए कुछ है ही नहीं साले, बस सब हिंदू चल रहे हैं सब्जी के, बस ये सोच रहे हैं कि मुसलमानों को दाब लो कैसे भी करके। अनु पता ना दबने का किसी से है नहीं, खुला कह रहा हूँ किसी से भी कह दो साले से, चाहे किसी से भी। अच्छा, मुसलमान नहीं दबेगा है? नहीं दबेगा। मुसलमान को दाब कौन दे? दाब सब इधर के, हमारे इधर के राजपूत रहे हैं दाब, बताओ अभी पीछे मार लिया उन्हें बेचारों को। अच्छा हाँ यार बताओ, कुछ बात है वो अपाई जा बताओ, उनके घर में घुसका मारा है, मतलब कुछ बात है की वजह से हो रहा है ये वैसे। अब सरकार के ऊपर ही बात, जब सरकार कुछ नहीं ले रही तो क्या करेंगे? सरकार में नहीं हुआ है, हुआ होगा तो हम मुजफ्फरनगर का नाम सामने जब जिसमें हो रहा है हम तो वो बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर का नाम सुना है आपने? ना तो हमने तो भैया अपने अखिलेश की सरकार थी तो गई नहीं है कहीं, तब अखिलेश की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर होगी है ना, योगी आदित्यनाथ को जानते हैं हैं? अरे हम ना जानते किसी को भी, सरकार बन रही है योगी आदित्यनाथ है ना, बन रही है मेरे ख्याल से तो बने ही ना, क्यों है मुसलमान को सपोर्ट दे भाई ना, अन्ना कुछ करते खास खा लिए अपने भाषण से देते रहे माँ का। अच्छा और क्या है बस, मतलब मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करते योगी आदित्यनाथ? मोदी जी तो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, अरे वो तो फर्जी है उनकी, मतलब लो कंती बात कर रहे हैं जी के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहा है, बस जो बात है अपने रियल बता रहा हूँ मैं। क्या नाम है आपका? शारिक नाम है। शारिक हाँ, बीजेपी से इतना नाराज हैं आप? बहुत ज्यादा है जिसका कह मैं। अच्छा आपके हिसाब से किसको वोट देने चाहिए? मेरे हिसाब से तो अखिलेश यादव जीत जावे, खुशी हो जाएगी हमारे इधर की तो। अखिलेश थोड़ा सा इधर भी आ जाए, थोड़ा सा पब्लिक के बीच में रहिए, ऐसा नहीं लगे कि आप अकेला है। आप ये बताएं अखिलेश को वोट दे जानी चाहिए? यस। अच्छा अखिलेश ने क्या काम किया आपके लिए? अखिलेश है ये है मतलब कि इतना गुंडा रास्ता नहीं होगा उसके सामने, मतलब कि इतना चल रहा है अब इतना तो नहीं होगा। हाँ कम हो जाएगा थोड़ा बहुत, नहीं पता है मतलब थोड़ा बहुत कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, इतना तो बहुत है बस, जितना थोड़ा बहुत कम हो जाए। चलिए चलिए, एक के बाद जुड़वा पैदा होगा उसका क्या होगा? अगर एक बच्चा होगा उसके बाद जुड़वा पैदा होगा उसको क्या फेंकेंगे बताओ? आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं इस टाइम, अगर एक के बाद, अगर योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं कि एक बच्चे जो दो बच्चे की स्कीम निकाली उन्होंने, ठीक है अगर हमारा एक बच्चा पहला हो गया ठीक है, अब उसके बाद जुड़वा हो गया उसका क्या होगा? ये आपका सवाल किससे है? सरकार से? सरकार से भी, आपसे भी, आपने क्वेश्चन किया, सरकार ने तो मुझसे क्वेश्चन किया ही नहीं है आके। सरकार कानून ला रही है ना? कानून तो ला रही है बस, हम तो पूछ, आपने पूछ लिया, हम चलो सरकार से ये क्वेश्चन, कानून ला रही है ये लागू केंद्र सरकार वाले चुनाव में भी होएगा, लोकसभा वाले में भी होएगा, या नॉर्मल जो ग्राम पंचायत इनमें लागू होगा? आपको क्या लग रहा है? ये तो इन्हीं में लागू होगा जो ग्राम पंचायत चुनाव में। अच्छा क्या विधानसभा या लोकसभा वाले में नहीं होना चाहिए, आप बताइए? अच्छा इनमें भी लागू होना चाहिए ना, जब तो पता पड़ेगी पढ़े लिखे कितने कितने हुए हैं। और जो कानून बना रहा है योगी आदित्यनाथ जी, कानून बना रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री, वो खुद अपने पिताजी की छठी औलाद है। अच्छा ये कानून बनाएंगे बताओ? कुछ लोग, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये, मतलब जो ये कानून लेकर के सरकार आ रही है कि मतलब अगर आप दो बच्चा ज़्यादा पैदा करते हैं या आपके पास दो से ज़्यादा बच्चा है तो आप यहाँ पे कोई चुनाव वुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है, ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है कि सबसे पहले ये चीज़ उत्तर प्रदेश से शुरू किया जाए और जो बीजेपी के जितने भी लीडर हैं वो जिनके पास दो से ज़्यादा बच्चा है उसको टिकट ही ना दें। ऐसा माहौल है ऐसा, देखो महंगाई इतनी है, दो क्या आदमी एक से ज़्यादा पैदा करने की ना सोच रहा, अब तो दो तो क्या कर दो, दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दो कर दो अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके हो चुके हैं, जिनके तत्काल प्रमाण लो ये लागू जनवरी किस है शायद मेरे में भी, जो मुझे याद नहीं है, उससे पहले उसका जो बच्चा एक होगा तो उसके बाद हो क्या होएगा उसका बताइए? ये तो हमें कुछ कानून ठीक है लेकिन अभी इस पर कोई बहुत सारे मानते हैं कि कानून ठीक है, ठीक है ये ऐसी बात नहीं, इससे फायदा ही है लोग बागों का, महंगाई को देखते हुए सही है कानून, ऐसे कोई इसमें वो नहीं है। अच्छा क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान अच्छा आप थोड़ा इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, और कोई सवाल है आपके जहन में? नहीं जी एक कई सवाल मिल जाओ पहले। हाँ तो जो उस जुड़वा बच्चा क्या करेंगे हम, जो एक पैदा होगा तीन हो जाएंगे, तो आप बताओ उसका, मुझे उसका आंसर दो जाओ भाई, उसका मुझे आंसर दे दो भाई, अगर गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ से चाहते हैं सब कोई दे दो मुझे ताक है। अच्छा कोई भी दे सकता है, दौड़ा दीजिए कैसे मतलब फिर से दोहरा दीजिए। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे अब स्कीम जो थी दो बच्चों की थी, ठीक है कि दो बच्चे उनकी गवर्नमेंट जो मिलेगी मतलब हर चीज़ उनके लिए होगी, जो जिसके तीन बच्चे होंगे उसको कुछ नहीं मिलेगा, नहीं राशन है ना कुछ, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं, जॉब वगैरह मतलब कुछ नहीं। अगर जुड़वा बच्चा हो जाता है, तीन हो जाएंगे
अब बताओ, अब उसमें तो हमारा कोई ना है, रोल ही ना है, लेकिन अंदर तो पेट माँ के पेट। वो तो रेयर केस में होते हैं कि मतलब जुड़वा बच्चा है तो केस ज्यादा, वो तो केस इस पर रेयर रेयर। देखो मैं मैनेजमेंट कर लेगी उस तरीके से, अगर एडजस्ट कर लेगी ना सरकार। वो तो रेयर केस है ना कि मतलब पूरे गांव में आप देखेंगे तो एक दो एक भी नहीं मिलेगा उनके लिए। हाँ तो मैं यही तो चाहता हूँ, हो सके मेरे ही हो जाए, हो सकता है ना, हो सकता है, हाँ हो सकता है मेरे। तो ऊपर वाला बड़ा रहम दिल है, कर देगा, कुछ भी कर सकता है। बताओ सीधा गुंडा राज चल्ला गुंडा, क्या कह रहे हैं, कुछ बोल रहे थे, गुंडी गुंडी बात बोल रहे, मतलब कैमरा लेके आते भाग जाते हैं। हाँ। गुंडा राज चल्ला अभी हमारे पड़ोस में पीछे गांव में। हाँ। अभी कुछ लोगों ने बेचारे मोमदन लोग हैं, उन्हें बेचारे को मारा पीटा है, अपाहिज है बेचारा। अब उसको मारा पीटा है, बतलाओ ये लूटा, ये गुंडा राज नहीं तो और क्या है, ये नुको गुंडा राज खत्म कर देंगे। गुंडा राज तो चल रहा है, बताओ इसमें मतलब उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, गुंडा राज है बिल्कुल। अच्छा अखिलेश की सरकार में क्या रहता है? अखिलेश सरकार में सही रहता है माहौल। अच्छा इस तरह के माहौल तो नहीं होते, इस तरह के माहौल तो नहीं होते। इसको बेफजूल मार, उसको बेफजूल मार, ये तो गुंडा राज है भाई। कोई गलती हो, आदमी कुछ कहता है तो उसके लिए तो सही है, अब लेकिन कोई गलती नहीं है, बेफजूल की मारपीट, मुल्ला कटला पटला कह कह करके मारेंगे पीटेंगे तो उसमें क्या होना है। उधर जाकर के इंटरव्यू लो, बाकी का जाकर गांव बताया आपने, डोहरी गांव, डोहरी गांव। अभी तो मैं आया तो शायद पता नहीं कोई जाट और वो जाट और चमार का मिक्स गांव था, पता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ था। अच्छा एक बार बता दीजिए आप, 10 में से कितना नंबर दे रहे हैं योगी को? 2। 1 में से 2? 2 किस चीज़ का दे रहे हैं? 10 में से 2। 10 में से 2? 10 में से भाई जिस हिसाब का रोजगार है उस हिसाब से नंबर। अच्छा जी, मतलब जिस हिसाब से रोजगार है उस हिसाब से नंबर। अच्छा कुछ लोग से और जुड़ते हैं यहाँ पे, पता नहीं लग रहा दुल्हा उल्हा बहुत ज्यादा है, सब शर्मा रहे हैं। भाई योगी को 10 में से कितना नंबर दे रहे हैं? भाई मैंने भी 2 ही नंबर दिए हैं, एक तो आपने दिया था नंबर, 2 नंबर दिए मैं, अब दे रहा हूँ ना। अच्छा आप एक तो इस वजह से दिया है क्योंकि उसने पहली बार तो प्रधान वो बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, उसकी किस्मत अच्छी, एक नंबर इस वजह से दे दिया। दूसरा उसने थोड़ा बहुत विकास करा है, ज्यादा नहीं करा, बस बहुत कम करा है, हमारे यहाँ तक तो उसका विकास आया नहीं, इस वजह से एक नंबर इसलिए दे दिया उसको, बस 2 नंबर दिया। मतलब मानते हैं कि मतलब विकास हुआ है? यार बहुत कम हुआ है, मानने लायक ही नहीं बचा, बस एक नंबर दिया बस। अब 8 में से 10 में से 1 नंबर मिलेगा तो समझ सकते हो विकास कितना हुआ है। आपके हिसाब से, आपके हिसाब से वो कौन सी पार्टी है जो कि यहाँ पे विकास करेगी? सपा। सपा, हाँ अखिलेश भैया विकास करेंगे हमारे यहाँ पर। ओवैसी साहब की एंट्री हो गई पता है आपको? हाँ पता है, पर ज्यादा नहीं पता, अभी ज्यादा नहीं पता, पर अभी हो गई यहाँ पर, सुनने में आया कि हो गई। किस तरीके से देखते हैं अपने सपा भैया के साथ आएगा तो जाहिर सी बात है, मतलब ओवैसी को कहते हैं बीजेपी की बी टीम है? नहीं हमने तो सुना नहीं आया बीजेपी में, उसमें अपने सपा के साथ गठबंधन तो चाहता है ना। हाँ कुछ बोल रहे हैं आप भाई, अरे सुन तो लीजिए, ये देख रहे भाग रहे पूछ रहा हूँ तो मतलब यहाँ पे बताने से भी शर्मा रहे। अच्छा यहाँ पे जो है ज़्यादातर आप देखा कि ज़्यादातर लोगों का यही मतलब मन में है कि यहाँ पे अखिलेश यादव की सरकार बननी चाहिए। मतलब ये कौन सा गाँव है भाई? डोहरी। डोहरी की जो जनता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ यहाँ पे दिख रहे हैं, खास करके योगी आदित्यनाथ से नाराज़ दिख रहे हैं। जैसे कि एक भाई अभी मिले थे, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे गुंडा राज जो है बहुत ही ज़्यादा है। तो एक दो लोगों से और मैं जुड़ूंगा, उसके बाद मैं वीडियो के यहां से समाप्त कर दूंगा। कोई अगर बोलना चाहे तो भाई आ जाए। क्या नाम है आदित्यनाथ को? नहीं मैं भी नहीं जानता भाई, हम तो कलवा प्रधान को जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वीडियो बना रहे हैं, कहीं और हैं हम? उत्तर प्रदेश में ही हैं, पर हम तो कलवा प्रधान को जा रहे हैं, गाँव से बाहर ही ना गए कभी भाई, हमें कुछ विकास का कुछ लगा ही ना, कि नाम ही ना चुना, क्योंकि हमारे यहाँ विकास उसकी तरफ से हुआ ही नहीं। अगर आए योगीनाथ की तरफ से हमारे यहाँ विकास होता तो हम विकास को देखते भी, हमारे हमारा प्रधान करता है जो भी करता है। वैसे सफा भैया का नाम सुना हमने, अखिलेश भैया, योगी को नहीं जानते हम, अखिलेश को जानते हैं। हाँ अखिलेश को जानते हैं। अब तो कह रहे हम गाँव से बाहर जाते ही नहीं है, नाम सुना ना, उसने स्कीमें आई हैं उसकी, इसलिए हमने उसका नाम सुना, उसने विकास किया, यहाँ तक स्कीमें आई हैं उसकी, इसलिए उसका नाम सुना अखिलेश का। कभी उसकी स्कीम यहाँ पर आई नहीं है तो हम उसका क्या सुनेंगे उसका। योगी आदित्यनाथ को कैसा, आप तो वह कह रहे हैं हम जानते ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं होगा। आप जाना भैया, आप बताइए कि योगी आदित्यनाथ ने कितना काम किया, बता मुझे ना, बता कुछ भी ना करा, कुछ ना करा जी। अच्छा कुछ नहीं करा है ना। सरकार किसकी बन रही है? अखिलेश की। अखिलेश की क्यों? लैपटॉप भी दिया उसने हमें, इसने क्या दिया लैपटॉप, घर पे रखा, पढ़ाई हो रही है और। अच्छा तो बीजेपी सरकार में भी तो मिला है फोन वगैरह? कहाँ मिला, किसे मिला है? यहाँ तो किसी को भी ना मिला, किसी को। अच्छा और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे भाई, एक मिनट, युवा से जाने। क्या नाम है आपका? साहिब। हाँ साहिब। अच्छा साहिब भाई, क्या नाम, ये क्या क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं जी? किस क्लास में? 11। किसकी सरकार बन रही है? किसकी सरकार बन रही है? अखिलेश की। हाँ अखिलेश की। ये आप हंसने की कमजोरी है या मतलब क्या है? मुझे ये बोलना नहीं आता है,
मतलब यहाँ पे कुछ लोग हैं कि जो बोल नहीं पाते। अच्छा आप ये बताएं, कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि हम योगी को जानते नहीं है। योगी असल में एक योगी आदित्यनाथ हैं। हाँ बताइए। योगी को नहीं आते, बच्चे हैं अभी, इतनी नहीं नॉलेज इन्हें। अच्छा भाई थोड़ा इधर आ जाइए, इधर की तरफ आ जाइए, नीचे आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए। ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कितना काम किया है? काम इतना खास तो खैर काम इतना खास काम तो खैर किया नहीं है। अच्छा मतलब थोड़ा बहुत किया है काम। हाँ बाकी का थोड़ा बहुत तो गांव के हिसाब से है, गांवों में जो किसानों के लिए थोड़ा बहुत है वैसे। अच्छा किसानों के लिए योगी आदित्यनाथ थोड़ा बहुत। हाँ थोड़ा बहुत। तेज बोले, खाना खाए थे आप? अरे खाना खाए भाई, मतलब पब्लिक सुन नहीं पाएगी आप क्या बोल रहे हैं। अब पब्लिक को यहाँ सुनाओगे या वहाँ जाके सुनाओगे, चैनल पे सुनाओगे? वहाँ तो बोल पाएंगे यार, वॉल्यूम तो बढ़ जाएगी। नहीं इतनी से काफी बढ़ जाएगी वॉल्यूम का, मैं तो कहा से थोड़ा आपके तरफ से भी ताकत होनी चाहिए ना, तो फिर हम तो कर ही देंगे। हाँ तो कोई बात ना, ताकत तो बतरी लग जाएगी, और कितनी ताकत लगवाओगे यार। अच्छा योगी आदित्यनाथ को 10 में से कितना नंबर दे रहे हैं? 10 में से खैर एक दो नंबर तो खैर मिल जाना चाहिए। अच्छा हाँ इससे ज्यादा दो नंबर। हाँ एक दो नंबर तो इससे ज्यादा खैर कोई खास वाली बात ही ना। किसकी सरकार बन रही है? अखिलेश की सरकार बन रही है भाई। अखिलेश की सरकार बन रही है बिल्कुल।